और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। टोडा भीम तहसील क्षेत्र के कुढ़ावल गांव में 21 वर्षीय मनोज कुशर का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर चयन होने के बाद शनिवार को मनोज कुशर ने देहरादून में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर शपथ ग्रहण की। हैसफत ग्रहण करने के बाद मनोज गुर्जर अपने गांव कुढ़ावल के लिए रवाना हो गए, जहां ग्रामीणों ने उनका अपने गांव पहुंचने पर माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। और इसी बीच महिलाओं ने खुशी में डीजे के धुन पर जोरदार ठुमके भी लगाए हैं। तो वहीं ग्रामीण भूर सिंह चेची ने बताया कि मनोज गुर्जर का 19 वर्ष की उम्र में 2 साल पहले ही लेफ्टिनेंट कर्नल में चयन हुआ था, जिसके बाद कल उनकी 2 साल की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है। भरतपुर जिले के मथुरा के हलेना के अमोली गांव में ब्राह्मण समाज के द्वारा चल रही भागवत कथा समापन पूर्णाहुति के साथ हुआ, और भागवत समापन के दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण किया है। और भागवत कथा में श्री कृष्ण सुदामा का प्रसंग सुनाते हुए भगवत आचार्य प्रदीप शास्त्री और खदेन्द्र शर्मा ने कहा कि कलयुग में मित्रता स्वार्थी हो गई है। मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मित्रता करता है। वर्तमान में मित्र ही मित्र का सबसे बड़ा दुश्मन हो रहा है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण सुदामा की मित्रता के लोग आज भी मिसाल देते हैं। भगवान ने अमीरी गरीबी का भेदभाव न कर बाल सखा सुदामा की सहायता की। उन्होंने सुदामा को भेंट भी दिए, चावल खाकर अपने गरीब मित्र सुदामा पर आए संकटों को एक क्षण में उन्होंने दूर कर दिया। भागवत में कृष्ण सुदामा के मिलन की जीवंत झांकी सजाई गई, जिसे देख कर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। भागवत समापन हवन कुंड में पूर्णाहुति के साथ कराया गया है। और सिंगू फाउंडेशन सूरतगढ़ का वार्षिक उत्सव सनसिटी रिजॉर्ट सूरतगढ़ में मनाया गया है, और इस कार्यक्रम की खास बात यह रही है कि इसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया। इसमें मंच संचालन से लेकर पूरा कार्यक्रम ही महिलाओं के अधीन था। कार्यक्रम अध्यक्ष रजनी माई महंत, मुख्य अतिथि जनजाति मारवाड़ क्षेत्र की बोर्ड उपाध्यक्ष कीर्ति सिंह, विशिष्ट अतिथि राजेंद्र के नेबाड़, श्रीगंगानगर की ड्रग इंस्पेक्टर डालेश्वरी देवी, डीएनटी प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर नायक, गोविंद जी कोटा सहित सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया है। इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं छोटी छोटी बच्चियों ने विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं, और अंत में सिंधु फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपा राम ने वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा और बच्चों को प्रशस्ति पत्र भी दिए हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रामगढ़ अलवर अमित कुमार भारद्वाज, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह के 51वें जन्म दिवस पर किशन कुंड पर हवन यज्ञ कर उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई है। इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हिरेन्द्र शर्मा, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा एवं महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी पंकज शर्मा सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर भंवर जितेंद्र सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उम्र में विधायक जीते और जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं मंत्री भारत सरकार के पद पर रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अलवर जिले के विकास के नाम से भी जाना जाता है। अलवर को संपूर्ण हिंदुस्तान में नई पहचान दिलाई है।